डायरेक्टोरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी बीए तारीख साल दुवम के अजीज तलबा व तालिबात आदाब। आज का उनवान है सूफी तहरीक और हिंदुस्तानी समाज पर उसके असरात। इस उनवान को समझाने के लिए हमारे बीच एक मशहूर मुवारिक प्रोफेसर एसएम अजीजुद्दीन साहब मौजूद हैं। उनवान को समझने जाने के पहले एक छोटा सा तारुफ प्रोफेसर अजीजुद्दीन साहब का। प्रोफेसर एसएम अजीजुद्दीन साहब जामिया मिलिया इस्लामिया से रिटायर हो चुके हैं। उन्होंने बहुत सारे ओहदे संभाले हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया के डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर के आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रह चुके हैं। उसके साथ साथ फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड लैंग्वेजेस के डीन थे और प्रेमचंद आर्काइव्स एंड लिटरेरी सेंटर के डायरेक्टर रहे। उसके साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के सर सैयद फेलो रहे। और आपको इस बात को जान के खुशी होगी कि आप रामपुर रजा लाइब्रेरी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्टर रहे और इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के सीनियर एकेडमिक फेलो हैं। और इसके जरिए उन्होंने बायोग्राफीज ऑफ सूफी सेंट्स ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं। सर ने तकरीबन 200 रिसर्च आर्टिकल्स छापे हैं और 27 बुक्स आपके हैं। अस्सलामु अलैकुम प्रोफेसर अजीजुद्दीन साहब। आज का उनवान है सूफी तहरीक और हिंदुस्तानी समाज पर उसके असरात। क्या आप पहले हमें ये बता सकते हैं कि सूफिज्म क्या है? देखिए, जहाँ तक सूफिज्म की तारीफ है, बहुत से दानिश्वरों ने, वेस्टर्न और ईस्टर्न स्कॉलर्स ने अपने अपने तरीक़े से की है। जो मैं समझता हूँ, सूफिज़्म की जो तारीफ है वो तौहीद, तक़वा, परहेज़गारी और दुनिया की जो इंटरेस्ट है उनसे थोड़ा दूरी और इल्म को हासिल करना है। इसका नाम तसव्वुफ़ है और इसी को जो अर्ली पीरियड के सूफिया थे उन्होंने अपनाया। और जो बाद की सूफिया की जनरेशन्स है उन्होंने इसी को फॉलो किया और इन्हीं तमाम कदरों को सेंट्रल एशिया, ईरान, हिंदुस्तान में प्रमोट किया। सूफी और भक्ति, इन दोनों के बीच कोई रिश्ता है? सूफी और भक्ति के बीच में रिश्ता तो है कि दोनों एक ही खुदा, एक ही पावर की बात करते हैं, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क ये है कि सूफिया दुनिया से दूर रहते हैं, दुनिया में रहते हुए। जी, भक्ति ने कहा कि दुनिया में से बिल्कुल ताल्लुक नहीं रखना चाहिए। जी, तो ये थोड़ा सा फ़र्क है सूफी और भक्ति। उसमें इसमें पूरी फैमिली लाइफ, जी, पूरी समाजी ज़िंदगी, ये ज़रूरी है जी कि आप उसमें रह के और अपनी चीज़ों को फॉलो करें और उसी में रह के इस रास्ते को भी फॉलो करें। जी जी जी। ये सूफिज़म का डेवलपमेंट कब और कैसे हुआ? देखिए, सूफीज प्रॉफिट मोहम्मद के पीरियड में भी थे जी, और उस वक्त वो असाब सुफा। अच्छा, प्रॉफिट मोहम्मद साहब हाँ, के दौर में भी सूफीज थे? वो लोग असाब सुफा कहलाते थे जी, और इबादत और तकवा और परहेजगारी में वो लोग मसरूफ थे। और खिलाफत राशिदा के ज़माने में भी जी सूफिया थे, लेकिन खिलाफत राशिदा जो इस्लामी जमहूरी निज़ाम था जी, जब 661 में हज़रत अली की शहादत के बाद जी इस्लामी जमहूरिया से
موروثی ملوکیت میں جی مسلمانوں نے تبدیل کیا جی تب سے اس تصوف نے تحریک کی شکل اختیار کی جی اور اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ جو اسلامی حکومت کی قدریں پروفٹ محمد کے زمانے میں اور خلفائے راشدین کے زمانے میں تھیں وہ اب ملوکیت کنگشپ یا مولارکی میں نہیں رہ سکتی جی لہٰذا یہ جو تصوف کی تحریک ہے یہ 661 میں جی شروع ہوئی ملوکیت کی بنیاد کے بعد جی اور اس میں یہ ہوا کہ انہوں نے اس پوری تحریک کو تین ادوار میں بانٹا جی ایک تو خاموشی سے انہوں نے کام کیا دوسری اس کی تصوف کی فلسفی پہ سمجھ پیدا کی اور اس پہ کتابیں لکھیں اور تیسری جو مطلب وہ ہے اس کی کیٹیگری وہ سلسلوں کا بننا تھا جی صوفی سلسلوں کا تاکہ یہ صوفی سلسلے بن کے دنیا کے مختلف علاقوں میں پھیل جائیں اور کام کریں اس لیے کہ جو کوائٹس کا پیریڈ ہے خاموشی سے انہوں نے تصوف کو پھیلایا اور ایک طبقے تک اس کو رکھا اس لیے کہ ظاہر ہے ملوکیت میں تصوف کی بنیاد یا اس کا ڈیولپمنٹ یا اس کا احیاء ہونا بڑا مشکل تھا کہ ایک ایسا گروہ جو آپ کی سرکار سے جو آپ کی حکومت سے جو آپ کی حکومت کے ضوابط ہیں ان سے ایگری نہیں کرتا تو اگر وہ اس کو اوپن کر دیتے تو وہ تحریک وہیں کرش ہو جاتی جی لہٰذا وہ نہیں چاہتے تھے تو خاموشی کے ساتھ اس پہ انہوں نے کام کیا اور کچھ لوگوں کو اس تحریک کا حصہ خاموشی کے ساتھ بنایا اور اسی میں یہ صوفی فلسفہ بھی کی بنیاد پڑی اس میں تین کتابیں لکھی گئیں ایک ابن العربی کی جی فتوحات مکیہ اور دوسری شیخ شہاب الدین کی عوارف المعارف اور تیسری شیخ علی حجویری کی کشف المحجوب جی اور تیسری کتاب جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں ہندوستان کے لیے بڑا سگنیفیکنٹ پوائنٹ ہے کہ دو کتابیں تصوف پہ ہندوستان سے باہر لکھی گئیں جی فتوحات مکیہ اور عوارف المعارف لیکن کشف المحجوب لاہور میں لکھی گئی جی تو اس میں انہوں نے پوری گائیڈ لائن پورا ایکسپلینیشن آپ کو کیا کرنا ہے کیسے رہنا ہے کیسے تعلیم حاصل کرنی ہے سسٹم پورا سسٹم جی ان تینوں کتابوں میں انہوں نے بنا دیا تاکہ اگر کسی کو شیخ نہ ملے جی تو یہ کتابیں پڑھ لے تو اس کے لیے وہی شیخ کے برابر ہوگا یہ تینوں کتابیں اسے جی گائیڈ کریں گی لہذا ان کتابوں کے لوگوں نے کاپیز تیار کیں اور دوسرے علاقوں تک فتوحات مکیہ اور عوارف المعارف اور ایک کام یہ بھی کیا کہ انہوں نے ان تینوں کتابوں کو ان مدارس کے صوبے خانقاہوں کی جو مدارس تھے جی اس میں بھی شامل کیا تاکہ جو ہم جو ینگ بچے ہیں ان کو شروع سے ہی اس فلسفے سے واقفیت پیدا کرا سکیں سر یہ کتنے صوفی سلسلے ہیں ان ذرا ان سلسلوں کے بارے میں ذرا بتائیے تو اس کے بعد جو تھرڈ اسٹیج آئی وہ سلسلوں کی آئی جی اور اس میں جو اہم سلسلے ہیں اس میں چشتی سلسلہ ہے سہروردی سلسلہ ہے کبروی سلسلہ ہے فردوسی سلسلہ ہے اور ہندوستان میں شتاری سلسلہ ہے اور بہت سے سلسلے وجود میں آئے اور انہوں نے سینٹرل ایشیا ایران ہندوستان میں یہ اپنے خلفاء اپائنٹ کرا کر کے بھیجے اور اس
इन सिलसिलों में एक जो निज़ाम क़ायम किया वो विलायत का निज़ाम क़ायम किया। जैसे हिंदुस्तान, जब नॉर्दर्न इंडिया टर्किश सलातीन ने कॉन्कर किया तो उन्होंने पूरी नॉर्दर्न इंडिया को अपनी विलायत में तकसीम कर लिया जी। और जितने कस्बात थे, जितने शहर थे, जैसे मुल्तान, लाहौर, दिल्ली, अजमेर, बदायूं, कोल, बर्न, ये तो शहर थे, इसके अलावा कस्बात, इन में अपने खुलफा भेजे और उनसे कहा कि तुम उस कस्बे में जाओ, वो अपनी खानकाह की बुनियाद डालो और वहाँ मदरसा क़ायम करो और लोगों को तालीम दो। क्योंकि सलातीन और उलमा के जो क़ायम करदा मदारिस थे उसमें जो एलीट था सोसाइटी का, उमरा और ज़मींदार और ये लोग, इनके बच्चे पढ़ते थे जी। मदारिस जो सूफी मदारिस थे उनमें कोई रेस्ट्रिक्शन हायर सोसाइटी के लोगों के लिए नहीं थी जी, लेकिन ये कैटर करते थे डाउन ट्रॉडन को, उनके बच्चे इसमें तालीम हासिल करते थे और इनका सिलेबस जो था वो उस सिलेबस से जो सलातीन और उलमा के मदारिस थे उसके करिकुलम से मुख्तलिफ था। इसमें इनका एम्फेसिस कुरान, तफसीर, फिक्र इस पर तो था ही था, लेकिन इसके साथ साथ तसव्वुफ पे भी था जी। और उसमें वही फतवात मक्किया, अवारिफुल मारिफ और कशफुल महजूब भी पाई जाती थी। इसके अलावा जैसे जैसे डेवलपमेंट होता चला गया तो सूफिया के मलफूजात भी शामिल होने लगे, जैसे शेख मुइनुद्दीन चिश्ती के, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के, हज़रत कुतुबुद्दीन मुख्तार काकी के, शेख निज़ामुद्दीन औलिया के। लेकिन इसमें जो मॉडल मलफूज है वो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के मलफूजात हैं, फवायदुल फात, जिसको उनके मुरीद अमीर हसन सिज़्ज़ी ने कंपाइल किया, जो बड़ी अहमियत के हामिल है। तो इन सिलसिलों का बड़ा अहम रोल हिंदुस्तान में रहा। तो सर, ये मदारिस जो आप बता रहे थे, दीनी मदारिस, क्या कभी कभी इन दोनों के बीच में कभी कुछ टकराव भी होता था, उलमाओं के मदारिस में और सूफियों के मदारिस में? नहीं, देखिए एक बात बताऊँ कि इनके यहाँ कोई टकराव नहीं था। सूफी तो बहुत ही पीस लिविंग लोग थे जी, और ये जो सिलेबस था ये एम्फेसिस तसव्वुफ पे था जी, और उनके सिलेबस में एम्फेसिस तसव्वुफ पे नहीं जी। था। जैसे स्पेशलाइजेशन है, हमारे आज की यूनिवर्सिटीज़ में जेएनयू का स्पेशलाइजेशन कुछ और है, जामिया का स्पेशलाइजेशन कुछ और है, फोकस अलग, हाँ, फोकस अलग होता था तो बस फोकस, लेकिन उनमें कोई, अब जैसे जेएनयू या जामिया के प्रोफेसर्स में कोई टकराव तो है नहीं जी। बिल्कुल यही शक्ल मिडिवल पीरियड में भी इनके मदारिस और उनके मदारिस, इनके टीचर्स उनके टीचर्स में कोई टकराव, कभी कभी बहस होती थी, बहस इन्हीं तमाम पॉइंट्स पे जी, और उसका बाकायदा डिस्कशंस होते जी, हेल्दी डिबेट होता था। हेल्दी डिबेट होता था। जैसे हम कंपोजिट कल्चर कहते हैं कि उस कंपोजिट कल्चर को बनाने में सूफियों का क्या रोल रहा? देखिए मैं आपको बताऊं कि जब मलूकियत मुसलमानों ने अडॉप्ट की इस्लामी जमहूरिया के जगह, तो वो जो इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट था वो ख़त्म होने लगा। और जब हिंदुस्तान हम आए तो हम दो कैटेगरी में डिवाइडेड थे, एक अशराफ और एक डाउन ट्रॉडन। और लेकिन सूफिया इसमें यकीन नहीं रखते थे, तो वो देख रहे थे कि ये जो सलातीन हैं, इनके प्रिंसेस हैं, प्रिंसेस हैं, उमरा हैं, हायर ऑफिशल्स हैं, तो इनका अवाम से कोई ताल्लुक़ है नहीं। और जिसको पीटर हार्डी, जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने अपनी एक किताब में लिखा है कि ये तो कहते हैं कि साहब इक्वल था, ये तो सिविल लाइंस में रहते थे जी, ये जो रूलिंग क्लास था, तो वहाँ तक तो पीटर हार्डी सही है,
लेकिन सूफिया ने उस गैप को फिल किया जी। जब वो आए यहाँ तो यहाँ दो चीज़ें थी, एक मंदिर थे और बाद में मस्जिद बनी। मंदिर के दरवाजे हिंदुओं के लिए खुले हुए थे और मस्जिद के दरवाजे मुसलमानों के लिए जी। कोई एक ऐसी कॉमन जगह नहीं थी कि जहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों एक जगह जी बैठ के बात कर सकें। जी खानकाह जो इन्होंने बनाई उसका मिजाज ये रखा कि उसके दरवाजे सबके लिए उन्होंने खोल दिए कि आपका मतलब कुछ भी हो आप आइए बैठिए हमसे बात कीजिए। तो खानकाह का रोल है हिंदुस्तानी समाज में इक्वलिटी लाने में या जो कंपोजिट कल्चर लाने में खानकाह का बहुत अहम किरदार है, क्योंकि इसके जो दरवाजे और एक और इंस्टीट्यूशन बनाया इन सूफिया ने, ये जो इमाम हुसैन की आज़ादारी मुहर्रम में होती है जी, तो एक इमारत बनाई इमाम बाड़ा या हैदराबाद में, उसको आशूर खाना का नाम दिया। इसके दरवाजे भी उन्होंने सबके लिए खुले रखे और कोई डिस्टिंक्शन नहीं। तो इसने एक दावत दी दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखने की, दूसरे कास्ट से ताल्लुक़ रखने की, कि तुम और मज़हबी इबादत गाहों में नहीं जा सकते लेकिन सूफ़ी की खानकाह में बगैर किसी रेस्ट्रिक्शन के तुम जा सकते हो। तो इसका कहने का मतलब ये है कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद हाँ को आगे बढ़ाने के लिए सूफियों ने खानकाह का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है जी सूफी खानकाह का, तो इसके दरवाजे खोल दिए। दूसरी चीज़ जो सूफिया ने की वो ये की कि उन्होंने, जैसे अगर गुजरात में उन्होंने अपनी खानकाह कायम की, बंगाल में कायम की, महाराष्ट्र में कायम की, पंजाब में कायम की, मालवा में कायम की, तो उन्होंने जो यहाँ बोली जाने वाली ज़बानें थीं जी, सिंधी है, पंजाबी है, बंगाली है और गुजराती है, इसको पढ़ा जी। और पढ़ के शेख फरीदुद्दीन गंज शकर ने पंजाबी इस लेवल पे पढ़ी कि उन्होंने वर्सेस कहे पंजाबी में, और उसका नतीजा ये हुआ कि जब गुरु ग्रंथ साहब को तैयार कंपाइल किया गया तो बाबा फरीद के वर्सेस जो थे उनको शामिल कर लिया गया जी गुरु ग्रंथ साहब में। तो ये सूफिया का कमाल है कि किसी की मज़हब की किताब है, इज़ ए होली बुक ऑफ सिक्स, और उसमें एक मुसलमान सूफ़ी के वर्सेस शामिल हो जाना, ये कमाल था सूफिया का। जी जी, क्या जी। तो इनके यहाँ कोई लैंग्वेज बायस नहीं था जी, लैंग्वेज बायस नहीं था ना मज़हब के तौर से इनका कोई बजाज था, हाँ ना मज़हब का जुबान तो के तौर से कोई, ज़बान से नहीं था। और इसलिए कि ये बताइए, अगर आप पंजाब में, मिडिवल पंजाब, 12th century 13th century का पंजाब है, तो अंग्रेज़ी तो थी नहीं, तो आप उनको बात कैसे करेंगे, उनकी मदर टंग में करेंगे। तो इन्होंने पंजाबी सीखी कि हमें अपना मैसेज जो है अगर डॉक्टर बादशाह साहब को पहुँचाना तो हमें बादशाह साहब की लैंग्वेज आनी चाहिए जी। तभी हम अपनी बात, तो जो मतलब जो लैंग्वेज बायस आज 21st century में हमें नज़र आता है वो सूफिया के यहाँ नहीं था। उलमा ने अपना जो अपने आप को सीमित रखा अरबी तक, थोड़ा आगे बढ़े तो फारसी तक आ गए, इसके बाद वो आगे नहीं बढ़े, उन्होंने इंडियन लैंग्वेज से कोई ताल्लुक नहीं रखा। तो उलमा अपने आप को अलग रखते थे, अलग, जबकि सूफिया जाके मिलते थे लैंग्वेज के हिसाब से जी। उन्होंने अरबी और फारसी तक अपने आप को महदूद रखा, ये उनकी मदर टंग तक पहुँच गए, उसको लर्न किया, क्योंकि आप अपनी बात उनसे जब ही कह सकते हैं कि जब आप उनकी ज़बान में उनसे बात करें। तो दूसरा जो अहम कंट्रीब्यूशन है सूफिया का वो ये है कि उन्होंने जो रीजनल लैंग्वेजेस थीं उनको पढ़ा, समझा और उसको अडॉप्ट किया। इसी की वजह से हम देखते हैं कि ये जो पहले डेवलप हुई हिंदी, जिसको आज हम उर्दू कहते हैं जी, तो ये जो उर्दू है आज की या हिंदी थी, जिसको अमीर खुसरो इन सब ने अशार कहे, ये इन्हीं खानकाहों की पैदावार जी। ये पंजाबी, हिंदी और गुजराती और बंगाली सब मिल के ये तमाम एक नई ज़बान
हिंदी भी पैदा हुई। तो एक जब आपकी एक जबान होगी तो वो तो फिर आपके अंदर एक यूनिटी पैदा करेगी। तो दूसरा इनका मकसद, दूसरा इनका कंट्रीब्यूशन लैंग्वेज का था कि ये लैंग्वेज सीख के उन्होंने उसमें बात की। तीसरी चीज़ जो थी उनके यहाँ ये थी कि वो दूसरों के मज़हबी जज्बात की बड़ी क़द्र करते थे। कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है, उसके मज़हबी जज्बात की। जैसे जब शेख मुइनुद्दीन चिश्ती ने शेख हमीदुद्दीन नागौरी को नागौर की खिलाफत दी, तो नागौर जो था वो जैनियों का गांव था, कस्बा, सारे जैनी रहते थे, वो मुसलमान तो थे नहीं। तो जब ये वहाँ गए, इन्होंने अपनी खानकाह एस्टेब्लिश की। सबसे पहला इन्होंने फैसला ये किया कि मैं आज से गोश्त इस्तेमाल नहीं करूँगा नागौर जाके। और न सिर्फ ये कि अपनी ज़िंदगी के लिए, बाद में उन्होंने ये वसीयत की कि मेरे मरने के बाद जब मेरी कब्र पर उर्स होगा तो जो भी लोग प्रसाद के तौर पे या नजराने के तौर पे जो भी चीज़ मेरे मज़ार पे लाएंगे, गोश्त उसका इंग्रेडिएंट नहीं होगा। जी जी। तो जो अहम चीज़ थी वो ये थी कि दूसरों के मज़हबी जज्बात की इन्होंने कदर करते थे। एक और चीज़ जो उन्होंने सबको अपने बराबर समझा, उनको बराबर बिठाया, उनके साथ खाना खाया, उनके साथ पानी पिया। तो ये तमाम जो चीज़ें थीं, इसने इंडियन समाज को एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा किया और एक मजबूती दी। इसलिए कि टर्किश सलातीन को और उलमा को इस यूनिटी से कोई मतलब नहीं था। उन्हें तो अपनी एम्पायर, उनको तो अपनी अथॉरिटी से मतलब था, और उनको अपने जो ऑफिसेज थे, खादी का ऑफिस है, मुहतसिब का ऑफिस है, उसको चलाना था, गवर्नेंस करनी थी। लेकिन इनको एक ऐसा समाज बिल्डअप करना था जिसमें सब एक हों। तो ये सूफिया का बड़ा कंट्रीब्यूशन है कंपोजिट कल्चर के लिए, कि जो सूफिया का बड़ा अहम कारनामा है। इसलिए कि आज भी अगर आप देखें जितनी दरगाहें सूफिया की, 47 पार्टीशन हो गया जी, उसके बाद पाकिस्तान अलहदा हो गया, हिंदुस्तान बन गया, कम्युनल राइट्स भी हुए, लेकिन इन दरगाहों को कभी आज तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा जी। 12वीं सदी से लेके आज तक, और आज तक उनका कंट्रीब्यूशन चल रहा है कि आज उनकी दरगाहों में हिंदू मुसलमान सब लोग जाते हैं, सिख ईसाई, वो कब्र में है, कोई पावर नहीं है जो उन्हें ले जा रही जी। बल्कि यही उनका कंट्रीब्यूशन है जो आज उन्हें अट्रैक्ट। देखिए, मेरी अपनी राय यह है कि कोई रिलीजन वेपन के बल पे नहीं फैल सकता जी। और इस्लाम हिंदुस्तान में ये टर्किश सोल्जर्स या उनकी तलवारों से नहीं फैला जी, ये तो सूफिया के कंट्रीब्यूशन से फैला जी। और अगर तलवार से फैला होता तो तलवार जब टूट गई तो फिर वो अपने मज़हब पे वापस चले जाते जी, लेकिन वो तो अपने मज़हब पे कायम रहे जी। इसका मतलब ये है कि वो सूफिया से कन्विंस हुए और उन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट किया जी। और आज भी वो इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं जी जी। तो जी। मैं नहीं समझता कि तलवार का कोई रोल इस्लाम के एक्सपेंशन में है। तो तलवार के बल पे कोई भी मजहब नहीं फैल सकता, ना फैल सकता और ना वो टिक सकता। आजकल का माहौल ऐसा है कि अमन टूट रहा है, तो भाईचारा टूट रहा है, तो अमन और भाईचारों को आगे बढ़ाने में सूफिज्म कैसे हमें काम में आ सकता है, और सूफिज्म कैसा मैसेज हमें, सूफिज्म से क्या मैसेज हाल मौजूदा हालात में, सूफिज्म का मैसेज हमें कैसे यूज़ हो सकता है? देखिए, सूफिज्म की किताबें तो लाइब्रेरी में रखी हैं जी, लेकिन उसमें डिफ़िकल्टी ये है कि हमें उन सूफिया की जो प्रैक्टिस थी जी, उसको अपनी ज़िंदगी में अपनाना पड़ेगा जी, और तब उसके ज़रिए अगर हम प्रचार करेंगे तब उसका असर होगा। ये इस तरीके के मतलब तकरीर करने से
ये काम पूरा नहीं होगा जी जब तक हम उस स्पिरिट को जी अपनी ज़िंदगी में ना अपनाएं जो सूफिया ने अपनाई थी, तभी हम कामयाब हो सकेंगे। ये जो इस पर डिवीज़न हो रहा है जी इसको ख़त्म करने में, इक्वलिटी लाने में, ब्रदरहुड लाने में और सो लोगों को एक दूसरे में जोड़ने में हम लोग इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। आपने सूफिज़म पे इतना गहरा रिसर्च किया है, तो सूफिज़म पे और क्या किया जा सकता है? सूफिज़म को अगर सोसाइटी के लेवल पे लाना जी है तो एक तो सबसे पहला काम ये होगा कि इसको स्कूल्स के करिकुलम का हिस्सा बनाया जाए जी ताकि बच्चों की एक समझ वहीं से पैदा हो। तब वो बच्चे जब बड़े होंगे तो इसी कॉन्सेप्ट को फिर ये सूफी आइडियाज़ आगे बढ़ेंगे, तब वो इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी और ब्रदरहुड समाज में आ सकेगी। तो सूफिज़म का मैसेज मतलब मसावात को लाने में, हाँ अमन को फैलाने जी में, जी भाईचारा को आगे बढ़ाने में जी सूफिज़म का मैसेज हमें हाल में काफ़ी काम आ सकता है। बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट। सर, दिल की गहराइयों से हम आपका शुक्रिया अदा बहुत बहुत करते हैं। शुक्रिया सर। तो उम्मीद करते हैं कि आइंदा जब भी आप हैदराबाद आएंगे, आप डायरेक्टोरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन का मदद करेंगे इसी तरह। तो बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया सर, शुक्रिया। आज का प्रोग्राम ख़त्म हुआ है। आइंदा प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आदाब, शुक्रिया।